Assalamualaikum, welcome back to my channel. और आज का लुक है ये, मतलब ये है मेरा ईद मेकअप लुक. ओहो, सो ये एक ईद लुक है जो मैंने क्रिएट किया है एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. एंड आई एम लाइकिंग दिस लुक वेरी वेरी मच. मतलब मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, या तो इस सूट के साथ बहुत सुंदर लग रहा है या आई डोंट नो, बट मुझे बहुत सुंदर लग रहा है. एंड मैंने ये स्टेप बाय स्टेप बनाया है लुक. सो आगे की वीडियो में आप देख सकते हो ये लुक कैसे क्रिएट किया है. सो उसके आगे मैंने आउटफिट की वीडियोज भी बनाई हैं. सो आप पूरी वीडियो देखना एंड तक. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मेरा लुक कैसा लग रहा है. और अब आए गए हो, चैनल खोल ही लिया है, वीडियो खोल ही लिया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि पता चल जाए कि न्यू वीडियो आने वाली है. बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड कि ईद से ईद को एक साल हो जाएगा मेरे व्लॉग्स को. तो या और 5000 लास्ट वीडियो में मुझे सबने बोला कि वो पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रही हूँ. सो मैं ये बोल रही थी कि मेरे 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं. थैंक यू सो मच एंड होपिंग के आगे जाके और भी बढ़े. तो मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज किए हैं वो मैंने आगे की वीडियो में बता दिया एंड ये लुक आप भी अचीव कर सकते हो. सो हियर आई एम वेयरिंग एक्वालेंस इन द शेड मिस्ट्री हेजल. एंड मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं स्किन को मॉइस्चराइज कर लूंगी विद डॉटन की स्किन केयर विटामिन सी सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर. बहुत ही अमेजिंग मॉइस्चराइजर ये, इट एड इट्स ओन ग्लो टू द स्किन. मैंने अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर अपनी स्किन और नेक पे अप्लाई कर लिया है एंड उसको मॉइस्चराइज कर लिया है. नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस डर्म डॉग का ऑनेस्ट साइंस हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन फेस जेल. ये हेल्प करता है स्किन टाइटनिंग में, सो मेकअप पोर्स के अंदर नहीं जाए, इसलिए आई एम यूजिंग दिस. और मैंने इसको भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है जेल को अपनी स्किन पे. तो मॉइस्चराइजर के ऊपर जेल अप्लाई किया है तो स्किन थोड़ा सा टाइम लेती है टू ड्राई आउट, तो मैं 2-3 मिनट के लिए स्किन को छोड़ दूंगी. एंड नेक्स्ट टाइम यूजिंग कलर बार का मैटलेस फिनिश प्राइमर. बहुत ही अमेजिंग प्राइमर है ये, मैं बहुत टाइम से यही प्राइमर यूज़ कर रही हूँ. सो स्किन तो प्रेप हो गई है अच्छे से, प्राइम भी कर लिया है. एंड नेक्स्ट आई विल यूज़ क्राइलॉन का डर्मा कलर कैमोफ्लाज क्रीम कंसीलर इन दी शेड D4. तो मैं सबसे पहले अपनी आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ. मैंने आईज़ कंसील कर लिया है इसी कंसीलर के साथ एंड मैंने बेस सेट कर लिया है. तो इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से ये लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ अपनी पैलेट में से एंड मैं इससे बेस क्रिएट करूँगी अपनी आई शेडो का. और बहुत लाइट हाथ रखना है, मतलब इसका लाइट शेड चाहिए मैं अपनी आईज़ पे. मैंने बिल्कुल भी डार्क बेस नहीं बनाया है. नेक्स्ट मैंने उसी पैलेट में से एक डार्क पिंक कलर लेके अपने आउटर कॉर्नर्स पे स्मज किया है, मतलब अपने कॉर्नर्स को डार्क शेड दिया है. मैंने सेंटर आईलेट्स की तरफ उसको अप्लाई किया है टू क्रिएट अ ओम्ब्रे, जस्ट यू कैन सी दिस. इस आई लुक में हमें कॉर्नर्स डार्क चाहिए, मिडिल पोर्शन में लाइट शेड चाहिए एंड इनर कॉर्नर्स में हम और लाइट शेड अप्लाई करेंगे. सेम पैलेट में से मैंने एक गोल्डन शेड अप्लाई किया था इनर कॉर्नर्स पे एंड मिडिल में मैंने पिंक शिमर वाला शेड अप्लाई किया है और मैं तीनों को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अभी. सो इसके बाद मैंने दोबारा से आउटर कॉर्नर्स पे डार्क शेड अप्लाई किया है बिकॉज वो स्मच करने में थोड़ा लाइट हो गया था और हमें कॉर्नर्स डार्क चाहिए. सो इन द सेम पैलेट देयर इज दिस पर्पल कलर जो मैं अपनी लोअर आउटलाइन पे आउटर साइड अप्लाई करूँगी, मतलब मैं बाहर की साइड डार्क शेड लगाऊंगी एंड बेस वाला ब्राउन कलर लेके उसको इनर कॉर्नर्स में ब्लेंड कर लूँगी. एंड यहाँ पे मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है टू अप्लाई द आई शेडो. सो इनर कॉर्नर की साइड से स्मच करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए मैंने एक छोटा राउंड फ्लफी ब्रश यूज़ किया है. नेक्स्ट हमने यहाँ पे अपनी आईब्रो फिल करनी है विथ हाफ एंड हाफ आईब्रो आर्टिस्ट यूज़ किया है मैंने इन द शेड ब्राउन. और मैंने बहुत ही बेसिक आईलाइनर अप्लाई किया है, बहुत पतला, जो कि मैंने यूज़ किया है क्रश ऑन मी आईलाइनर जो मैंने मिनीसो से लिया था. नेक्स्ट आई एम यूजिंग हाइलाइटर फ्रॉम द कीको मिलानो आई शेडो और ये सुपर पिगमेंटेड है, सुपर डुपर पिगमेंटेड है एंड जस्ट लुक एट द ग्लो, एक ही स्ट्रोक में इतना अच्छा हाईलाइट करता है ये. इसके बाद हमने मस्कारा लेना है. मैंने यहाँ यूज़ किया है कीको मिलानो का लग्जूरियस लैशेज मैक्सी वॉल्यूम ब्रश मस्कारा, जो कि बहुत ही अमेजिंग वॉल्यूम प्रोवाइड करता है आई लैशेज को. एंड मैंने नीचे भी अप्लाई कर दिया है तो लुक एट द डिफरेंस, क्योंकि मैं यहाँ फॉज आई लैशेज यूज़ नहीं कर रही हूँ. इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का कोल क्रेयॉन आई लाइनर इन दी शेड
कॉलिंग योर बफ, ये एक न्यूड कलर का काजल है और हमारा आई मेकअप डन है। सो जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स अपने फेस पे गिरे थे वो हमने टाल लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस कीको मिलानो डेली प्रोटेक्शन बीबी क्रीम विथ SPF 30 इन द शेड 03 हनी, विच गोज़ वेल, क्योंकि मैं बहुत हैवी फाउंडेशन अप्लाई नहीं करती अपने फेस पे, सो ये बहुत अच्छा काम करता है एंड इवनली अप्लाई करना है अपने फेस पे और नेक पे। एंड मैंने इसको ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग सेम क्राइलॉन का डर्मा कलर कंसीलर और जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायरमेंट है मैं वहाँ वहाँ अप्लाई कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज, आईज़ के नीचे, स्पॉट्स पे। एंड मैं इसको अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे। फॉर कॉन्टूरिंग आई एम यूजिंग इनसाइड का HD कलर करेक्टर पैलेट, इसमें से डार्क ब्राउन शेड लिया है मैंने कॉन्टूरिंग के लिए टू गिव अ मोर चिजल्ड लुक टू माई फेस। तो चलो भाई, कॉन्ट्यूरिंग भी डन है, नेक्स्ट बारी आती है ब्लशर अप्लाई करने की। एंड मैंने शुगर का कॉन्ट्यूर D4 फेस पैलेट इन दी शेड 02 विविड विक्ट्री में से ब्लशर अप्लाई किया है। थोड़ा ज़्यादा मैंने अप्लाई किया अपनी चीक्स पे और नोज़ पे भी। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ हाईलाइटर फ्रॉम द सेम पैलेट, शुगर की पैलेट से ही। सो मैंने सारी चीज़ें हाईलाइट कर ली हैं, ब्रिज ऑफ द नोज़, अपने चीक बोन्स, लिप्स के ऊपर, ऑन द चिन एंड फोरहेड। तो ये एकदम ऑप्शनल पार्ट है, आपको जो जो अपना फेस पार्ट हाईलाइट करना है आप वहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो। आई वुड लाइक टू अप्लाई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हाईलाइटर ऑन माई फेस। वहाँ जाते हैं लिप्स से एंड आई एम यूजिंग कलर बार की चॉकलेट ब्राउन 014 लिप पेंसिल एंड शुगर एयर किस पाउडर लिपस्टिक इन द शेड 03 कैरमल सॉफल, जो मेरी एकदम फेवरेट हो चुकी है। सो दिस इज द शेड ऑफ दिस लिपस्टिक एंड मैंने बहुत न्यूट कलर लिया है, मैं डार्क कलर नहीं जा रही इस मेकअप लुक के साथ। जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ चुकी है, मैं इसको माई ग्लैम पोज HD सेटिंग पाउडर की हेल्प से सेट कर दूंगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट तो आप इसको सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट कर सकते हो, आई यूजली अवॉइड यूजिंग दैट। ऑल्दो आप स्टार्टिंग में भी बेकिंग कर सकते हो अपने फेस की, बट मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो मैंने अप्लाई करा है एकदम एंड में। एंड हियर यू गो, दिस इज़ द फाइनल लुक यू गाइस। दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो और आप भी ट्राई कर सकते हो ये। एंड दिस इज़ लाइक जिनकी नई नई शादी हुई है वो भी ट्राई कर सकते हैं एंड जिनको थोड़ा ज़्यादा मेकअप करना पसंद है वो भी। सो या दिस विल लुक गुड सब पे, मतलब ये सबके ऊपर जाएगा ये मेकअप लुक एंड ये हर स्किन टोन के साथ अच्छा लगेगा बिकॉज मैंने आई शेडो का कलर ऐसा चूज़ किया है एंड लिपस्टिक बहुत न्यूड सी रखी है। And just look at the glow. मतलब मैंने जब start किया था ये look create करना तो मुझे नहीं पता था ये ऐसा turn out होगा। And yeah, मैं बाल भी curl कर सकती हूँ but वो ईद वाले makeup look में देखेंगे कि मैं कैसी ready होती हूँ। And most probably मैं बिल्कुल ऐसा ही makeup करने वाली because I am liking this look very much। And मैंने इस suit के साथ, मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने क्या wear किया हुआ है, इस suit के साथ ये choker पर्ल एंड कुंदन का चोकर एंड इसी के ये इयर रिंग्स हैं। सो ये वेयर किया है, तो इसके साथ मैंने ये वाले कड़े वेयर किए हैं गोल्डन एंड वाइट में एंड द होल लुक गोज अराउंड दिस सूट वेरी मच। मतलब बहुत सुंदर लग रहा है इस सूट के साथ और ये बहुत सारे सूट के अलग अलग कलर्स के साथ भी चलेगा, मतलब पर्पल के साथ पहन सकते हो, पिंक के साथ पहन सकते हो, वाइट, ब्लैक, जैसे भी आप चाहो। सो या दिस इज़ द लुक, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये लुक कैसा लगा।